आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा एक सॉन्ग जिसका नाम है वी आर द वर्ल्ड अगर अभी तक आपको ये पोएम लग रहा था तो आप गलत थे ये एक पोएम नहीं है बल्कि ये एक सॉन्ग है गाना है और इस गाने को लिखा है एक ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट अब आप ये जान लीजिए कि ये गाना क्यों लिखा गया था तो एक देश है जिसका नाम है इथियोपिया उस देश में 1985 के टाइम बहुत ज़्यादा भूखमरी आ गया था वहाँ पर खाने के लिए कुछ दाना तक भी नहीं था और वहाँ के लोग भूखे मर जा रहे थे तो एक ग्रुप ऑफ अमेरिकन सिंगर्स और आर्टिस्ट मिलकर ये गाना तैयार किया और दुनिया से अपील किया सिर्फ अमेरिका से नहीं बल्कि पूरा वर्ल्ड से अपील किया कि आप लोग आगे आए इस जो देश है इथियोपिया इस देश को बचाना है तो इसीलिए ये ब्यूटीफुल सा सॉन्ग लिखा गया तो अब हम लोग इस सॉन्ग को स्ट्रेंजर वाइज पढ़ेंगे और अच्छे तरीके से समझेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं देयर कम्स अ टाइम व्हेन वी हीड अ सर्टेन कॉल व्हेन द वर्ल्ड मस्ट कम टुगेदर एज वन देयर आर पीपल डाइंग एंड इट इज़ टाइम टू लेंड अ हैंड टू लाइफ द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ ऑल we can't go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change we all are a part of god's great big family and the truth you know love is all we need we are the world we are the children we are the one who make a brighter day so let's start giving there is a choice we are making we are saving our own lives it is just we will make a better day just you and me send them your heart so they will know that someone cares and their lives will be stronger and free as god has shown us by turning stone to bread so we will must lend a helping hand when we are down and out there seems no hope at all but if you just believe there is no way we can fall let's realize that a change can only come When we stand together as one, there comes a time when we heed a certain call. तो इसका मतलब है कि एक समय ऐसा आता है कि जब भगवान बोलते हैं हम लोग को जो इस धरती पर रहते हैं उसे बोलते हैं कि सब एक साथ आ जाओ When the world must come together as one, सब एक साथ आ जाओ और सब एक हो जाओ There are people dying and it is time to lend a hand to life. और और कुछ जगह पर लोग मर रहे हैं भूख से तो ये वक्त है कि सभी मिलकर उस भूखे को कुछ खिलाओ द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ ऑल ये जो गिफ्ट है किसी भूखे का पेट भरना वो सबसे बड़ा गिफ्ट है वी कांट गो ऑन प्रिटेंडिंग डे बाई डे और हम लोग इस तरीके से रोज रोज नाटक नहीं कर सकते दैट समूवन समवेयर विल सोन मेक अ चेंज कि कभी कोई आएगा या कभी कुछ ऐसा होगा कि कुछ हो जाए ये सबको अपने आप मदद मिल जाए वेन वी ऑल आर अ पार्ट ऑफ अ गॉड ग्रेट बिग फैमिली और हम लोग जो है सभी भगवान के बच्चे हैं और भगवान का ही एक बहुत बड़ा फैमिली है एंड द ट्रुथ यू नो लव इज ऑल विन इट और एक सच्चाई ये है कि हम लोग सभी को प्यार चाहिए वी आर द वर्ल्ड हम लोग वर्ल्ड है पूरा वी आर द चिल्ड्रेन और हम लोग भगवान के बच्चे हैं वी आर द वन हु मेक अ ब्राइटर डे और हम ही लोग से दिन जो है वो और खेल जाता है सो लेट्स स्टार्ट गिविंग और अब समय है देने का भूखे को खिलाने का जिसे जिस चीज़ की जरूरत है उसे वो चीज़ देने का देर इज़ अ चॉइस वी आर मेकिंग वी आर सेविंग आर ओन लाइफ इट इज़ ट्रू वेल वी विल मेक अ बेटर डे जस्ट यू एंड मी और हम लोग अपने जिंदगी को सम सेव करते हैं जो कि एक अच्छी बात है पर हम लोग को मिलके एक दूसरे की मदद करनी चाहिए सेंड दैम योर हर्ट और यहाँ पे जो उस वक्त 1985 में जो ए, इथियोपिया देश में जो भुखमरी फैली थी तो उसके लिए कह रहा है सेंड देम योर हर्ट सो दे विल नो देट समयर्स तो यहाँ पे बोल रहा है कि आओ सब दुनिया का लोग जो भी है आओ और उन उनका साथ दो तभी तो उन लोगों को लगेगा जो उन देश के लोग हैं जो भूखे हैं तो उनको लगेगा कि हम वो सब का भी कोई केयर कर रहा है एंड देयर लाइफ विल बी स्ट्रांगर एंड फ्री और फिर वो सबका ज़िंदगी जो है वो और स्ट्रोंगर होगा एज़ गॉड हैज सोन अर्स बाई टर्निंग स्टोन टू ब्रेड और भगवान ने हम लोगों को दिया है पत्थर तोड़कर ब्रेड मतलब इसका मतलब होता है कि हम लोग मेहनत करते हैं तो हम लोग को मिलता है ना ब्रेड रोटी तो वही यहाँ पे कहा गया है सो वी ऑल मस्ट लैंड अ हेल्पिंग हैंड और अभी वक्त आ गया है कि इथियोपिया इत, जो देश है उस देश के लोगों का मदद करने का वेन वी आर डाउन एंड आउट देयर सीम्स नो हॉप एट ऑल और जब हम लोग लो हो जाते हैं और जब हम लोग निराश हो जाते हैं या लो हो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि हम लोग का कोई होप ही नहीं है उम्मीद ही नहीं है बट इफ़ यू जस्ट बिलीव देयर इज़ अ वे नो वे वी कैन फॉल लेट्स रियलाइज दैट अ चेंज कैन ओनली कम व्हेन वी स्टैंड टुगेदर एज वन और यहाँ पे बोल रहा है कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए जब भी लो फील हो तो ये सोचना चाहिए कि उसका रास्ता कैसे बनाए उस, उस, उस निराशा से निकल के आशा की तरफ कैसे जाए और यही करना है इन देश के लोगों के साथ इथियोपिया जो देश है उन लोगों के साथ भी ऐसे ही करना है पूरी दुनिया को ये मैसेज जा रहा है कि सब आ जाओ और उन उस देश के लोगों की मदद करो अभी क्योंकि वो लोग भूखे हैं और उन लोगों को खाने का भी बहुत ज़रूरत है वैन वी स्टैंड टुगेदर एज़ वन और हम लोग जब एक साथ खड़े हो जाएंगे तो हम लोग ईजिल उस देश के लोगों की मदद कर सकते हैं सो आई होप आपको ये ब्यूटीफुल सा सॉन्ग समझ में आ गया होगा कि ये क्या मैसेज देना चाह रहा है अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें और चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आप सुन रहे थे अभी तक तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा तो लें ताकि आपको इसी तरीके की वीडियोस मिल सके थैंक यू